नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा कृष्णा जी केशव दामले के जीवन परिचय के बारे में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर किसी से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। कृष्णा जी केशव दामले या केशव सुत, जी हाँ, केशव सुत के नाम से भी जाने जाते हैं। इनका जन्म हुआ था 1866 और इनकी मृत्यु हुई थी 1905। आधुनिक मराठी कविता के प्रवर्तक थे। वे प्राथमिक स्कूल के अध्यापक रहे, क्लर्क बने और विपन्नावस्था में अल्प आयु में ही स्वर्गवास हुआ, किंतु उनकी काव्य प्रतिभा असाधारण थी। समाज सुधार का जो काम हरिभाऊ आप्टे ने किया उपन्यास के द्वारा और आगरकर ने निबंध द्वारा किया, वही काम केशव सुत ने काव्य सर्जना द्वारा किया। इन्होंने मराठी कविताओं को सच्चे अर्थ में आधुनिक बनाया। केशव सुत की कविता स्फूर्त और अंतर्निरूपिणीय है। उनमें काव्य रचना संबंधित नए नए प्रयोग हैं। उनके विषय में प्रकृति और प्रेम है। उनकी मनोवृत्ति आसपास की सामाजिक दुख स्थिति से उद्वेलित हुई और ये काव्य में ओजस्विता से प्रकट हुई। उन्होंने अपने क्रांतिकारी सामाजिक विचार तुतारी, नैवा, सिपाही, स्फूर्ति, गोफन, मूर्ति भंजन इत्यादि ओजपूर्ण और सरस गीतों में प्रकट किए। इन्होंने स्वतंत्रता, समता और बंधुता का उद्घोष कर कविता को नया मोड़ दिया। प्रेम और अध्यात्म आत्मभिव्यक्ति उनकी कविता की दूसरी विशेषता है। ये पहले कवि थे जिन्होंने व्यक्तित्व प्रेम पर लगभग 40 प्रगीतों की रचना की, जिनमें प्रिय चे ध्यान, प्रीति, अपर, कविता दैववत अत्यंत सरस रचनाएं हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।